श्री राम जय जय राम। हे भगवान, तीन बज गया आज तो। मैं भी अलार्म बोला दो बार, ऐसे ही सोया था। कम से कम 30 मिनट और सोया। वो तो थोड़ा जागा जागा सा पड़ा हुआ था एकदम से, अचानक से मखा आज तो अलार्म नहीं बोला मखा। फिर दोबारा से याद आया उतरी गया, अलार्म तो बंद हो गया। तो भागते हैं जी दिल्ली की तरफ, शुरू करते हैं जी। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। मूवी नहीं दोया तो कोई भी नहीं गया, और सारे ऐसे खड़े हैं और सोए हुए हैं मच्छरदानी वाले। ये देखो श्री राम जय राम। तो बाहर निकाले हैं, मैं तेरे को वहां ढूंढ रहा था यार, तो पता नहीं कहां फिरता रहता है। चल भाई चल, छोटे चल दिल्ली, हमारा हार्दिक स्वागत करती है। भागते हैं जी दिल्ली के अंदर, एंटर करते हैं। आज लाइन लगेगी भाई चिकित्सा केंद्र फ्री में है ये। चाय पी लेते आंटी के पास। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। तो पहुंचे जी स्टॉप पे, पहुंचे चिट्ठा ही घर रखा यहाँ पे। तो ये पता नहीं क्या, कुछ ना कुछ साधन इसमें मार दिया होगा मेरे ख्याल से। पता नहीं अपने आप तो नहीं गिरना चाहिए अभी चिट्ठा। यहाँ पे उतारेंगे जी 1000 या फिर 500 इंटे वाले के जाएंगे दुकान पे सैंपल के लिए। वहाँ से सैंपल के लिए यहाँ पे भेजना पड़ता है कोई भी ग्राहक आता है तो, इसीलिए इस वजह से। तो यहाँ पे करेंगे 4500 या फिर 5000 खाली, वहाँ पे लेके जाएंगे। वहाँ पे जगह कम है ना, तो धीरे धीरे यहीं पे सब कुछ शिफ्ट हो रहा है। सुनील खोल भाई, खोल पलड़ फटाफट। शुरू करते हैं जी उतारने के लिए। वातावरण कितना बढ़िया है यहाँ पे, कोयलें बोल रही हैं, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, खुले में बिल्कुल हरा भरा सिस्टम है। चंदा मामा जी महाराज, जय हो सूर्य देवता जी महाराज। 6:30 के करीब दिखने लग जाएंगे। इनकी उठा के चिट्ठा लगा दिया, थोड़ा सा गिरा हुआ था, जैसे तैसे सेट कर दिया। मक्की इनके नीचे पड़ी है, मक्की हमने अलग लगाई है आज, तो गिनती का चक्कर है ना, सही तरीके से गिनती करके लगाएंगे, देखेंगे घटेंगे या बढ़ेंगे। अब हुआ लेवल डालेगा, अब फटाफट उतरेंगे, और भी ज़्यादा जल्दी उतरेंगे हम। और दूसरे वाला जो ट्रैक्टर है ना अपना, वो फंसा हुआ है अर्जुन, वहाँ पे दुखी हुआ है। और हमारे को कह रहा है सुनील आ जाओ जल्दी से, हमारी खुद आज लेट लगेगा, हम 6 बजे लगे। चलो देखते हैं कैसे होगा,
फिर जल्दी खाली होगी। 500-700 ईंट उतार के फिर दस रही है दो जोड़ा का जोड़ा बैठा हुआ है, वो निकाल के साफ करके अगर 500-700 उतारी है उन्होंने दोबारा लोड करके फिर अगर निकल गई तो देखते हैं, अगर निकल गई तो ठीक है, नहीं तो जाना पड़ेगा फिर करवानी पड़ेगी। ऐसे भागते नहीं है हम, एक दूसरे की मदद करते हैं जब समस्या होती है तो। चलो देखेंगे, सूर्य देवता जी महाराज आ चुके हैं। जय श्री राम। कैसे है, जूम करके ले हूं। ए बोल कितना फुट है इसमें, कितना फुट है, कितना फुट 1100 अच्छा कौन सा आया टेला, उदरपुर की गाड़ी है भाई, रेता उदरपुर रोडी सीमेंट और सुनील हंसने लग रहा सुनील पहले। लो जी घुमा के लगा दिया, उदरपुर की गाड़ी हो आधी रहेगी, ये होने वाली है। एक जरकल वाली साइड पे लगा के आएंगे, दुकान दुकान का कैंसिल हो गया प्रोग्राम, वो तो मेरे को तो याद थी पर उनके बाजू को याद नहीं थी, फिर उन्होंने कहा दुकान की बजाय वहाँ उनकी पूरी कर दे 7000, उनकी 6000 पूरी होगी, 7000 पूरी करनी है, 6000 उनकी हो चुकी है और 70 घंटे उनकी देनी है भाई। देखो अगर 20-30 बढ़ गई तो 20-30 के पैसे कटवा लेंगे और 20-30 उनकी रख देंगे, 70 घंटे देनी है। चलो देखते हैं बढ़ेंगे या घटेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 72, 73, 74 और दारी अपना लानी थी 75-60 की दारी है। देखो 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 52, 55 और 56 अपना लगानी थी 75 दारी में 2, 4, 6, 8, 10 इंट छोड़ दी, 60 की दारी है ना तो 50 इंट यहाँ पे कम रखी है मैंने, क्योंकि चलो बताता हूँ मैं। अरे कुत्ते का मारिए, क्या दे ईंट वाला हूँ, ईंट वाला ईंट आ रही है, आ रही है को गिनती कर लेंगे ना। हाँ जी ठीक है, आ जा बस आ जा, तो पता लग गया 50 घंटे इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि यहाँ तो फिर पैसे नहीं कटेंगे ना इनके, इनके पैसे जमा हो रहे हैं वहाँ पे, तो फिर वहाँ तो ईंटे दुकान पे तो रख देंगे अगर कटेगी तो, अगर इनकी कटेगी तो पैसे कटेंगे, तो वहाँ तो ईंटे ले आएंगे अगर कटेंगी तो, ये लफड़ा है इसीलिए वहाँ से 50 घंटे बचा के लेके आया हूँ। बता देंगे ना दुकान पर, करेंगे 50 घंटे दुकान पर कम उतार गया हूँ स्टॉक पर। 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 30 और 31 में लाइन में 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 21 21 सीट ऊपर है और 15, 2, 4, 6, 12, 14, 15, 19, 30 31 लाइन और 35 की दारी है। 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35 ईंट कम है, 14 ईंट कम है, 14 ईंट 31 लाइन में 14 ईंट कम होगी, मतलब इसमें 1085 हो रही है, 15 ईंट गई पूरी, नेट ईंट ईंट आई है आज। पानी पी ले बस नहीं, कातर ईंट आई है, कातर सही हो गया, मैं 50 ईंट बचा ले आया था, चौकस हो गया सही रह गया ना, ये तो पैसे कट जाते दुकान पर तो कम ज़्यादा आती ही रहती है, फिर यहाँ से पैसे नहीं कटने चाहिए बिल्डर के। और 20-21 ईंट फालतू हो गए भट्ठे से ही, आज 5,520 ईंटें थी, आज सही दारी गिनवा के लेके आया था। फाटक बंद है,
बोधा पहुंच गए होटल पे, घंटे के यहाँ खाना खाएंगे। हेलो जी, कड़ी पकौड़ा और रोटी सलाद चोटा खड़ा पूरा प्लॉट खा ले याद नहीं कोई भी आया ना के सो गए थे, अभी 3 बजे उठे हैं, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है, अभी देखते हैं, वेट करते हैं। 4 बज गए अभी तक तो कोई ऑर्डर आया कुछ खा पी लेते हैं फिर देखते हैं। ऑर्डर इन टाइम महंगी होने के कारण ऑर्डर नहीं आया, इसलिए गर्मी हो रही है आज से। गर्मी आज खेसी भी नहीं लेके गया था सुबह सुबह में, आज से गर्मी होनी शुरू हो गई है और दोबारा से ना भी ले आऊँ फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। हेलो जी, सूर्य देवता जी महाराज नमो नमो। टाइम 6:30 हो गया, ऑर्डर तो आ गया था, फिर मैंने बैठे पे फ़ोन करके पूछा वहाँ भाई भर जाएगी, फिर काले ने कोई जवाब ही नहीं दिया कि भाई वहाँ से कल भी खाली आते हैं ट्रैक्टर सीबीसी से भी और डीएल से तो नहीं आया अभी तक खाली कोई भी, लेकिन उससे 2-3 ट्रैक्टर खाली आ जाते, एक ट्रैक्टर तो रोज़ खाली ही रह जाता है सीबीसी से, लेकिन मैंने फ़ोन करके पूछा मैं भाई भर जाएगी, काले का फ़ोन ही नहीं आया उसका, और लेट फ़ोन आया था। वैसे तो मैं चला जाता अगर आधा 1-1.5 घंटा पहले फ़ोन आ जाता, 4 बजे तक 4:30 बजे तक तो वैसे ही मैंने वेट करी है, फिर फ़ोन आया तो पूछना पड़ा, फिर मजबूरी में वहाँ खाली वहाँ से आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी वैसे तो, और ज़्यादा 11-12 बजे आते अगर भर्ती भी तो 11 बजे कम से कम आते रहिए, लेबर वाले परेशान करते हैं। लेबर वाला ये पहले ही कह रहा कि भाई ड्यूटी ज़्यादा है और पैसे कम हैं, 11,000 रुपये हैं इनके लेबर वालों के खर्चा समेत की बात है, रोटी पानी अलग हो गया और 11,000 रुपये इनकी टोटल तनख्वाह हो गई महीने की, 12 कर रखी है, बल्कि अब की बात तो 12 में ही मेरे हिसाब से 12 का हिसाब करना पड़ेगा। ये कह रहा है मैं तो आज ही जाऊँगा, आज ही दुखी हो रहा था ये, मैं कोई बात नहीं भाई 1-2 दिन में बंदा आ जाएगा फिर चले जाना, लेकिन ये कल की कह रहा है, अभी कह रहा भाई कल मैं पक्का जाऊंगा, मेरे से होता नहीं है काम। वहाँ चलो भाई कोई बात नहीं, कोई ना कोई और तेरा भाई आएगा, तो ये बात थी, नहीं तो लेट सवेर आ जाते भर जाती फिर वहाँ लेबर वाला 1-2 दिन रख लेंगे इसको कह के, नहीं तो फिर ये भाग जाएगा, राज ही लेट कर दिया आज, वैसे भी जाना है इसने तो, फिर वहाँ चल क्यों परेशान करके कोई भेजना, क्या पता रुक भी जाए, कल बोल लेंगे अर्जुन के साथ का है, अर्जुन के गाँव का है, अर्जुन ने बुलाया, और क्या पता उसके बोलने से फिर ये रुक जाए, अगर आज ही परेशान कर देते तो फिर वे जल्दी जाएगा, 1-2 दिन भी नहीं काम चलवाएगा, और रेट बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से आगे रेट कंफर्टेबल करना पड़ता है, मतलब लेवल होगा एक रेट का जो अब धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है रेट, तो उसके हिसाब से चक्कर कम ही बनेंगे, और सबसे ज़्यादा कम रेट में अब चक्कर उतर रहे हैं अपने, सबसे ज़्यादा कम रेट कर रखा है काम की वजह से, लेकिन अब जब जैसे जैसे रेट बढ़ते जाएंगे एक आधा चक्कर वैसे टूटता ही रहेगा रेट की वजह से भी, क्योंकि रेट आगे कंफर्ट नहीं होगा, 100 रुपये 200 रुपये बढ़ते रहेंगे और आगे लेवल होगा नहीं, फिर नुकसान में चक्कर उतारने का कोई फ़ायदा ही नहीं है भाई, पहले ही बहुत सारे चक्कर टूट चुके हैं वैसे तो, और दिक्कत तो चल ही रही है काम की वजह से, दिक्कत चलती ही है भाई, काम चलता रहे तो 100-200 नरम गरम होते रहते हैं उसमें चल जाता है, लेकिन ज़्यादा नुकसान होता है तो फिर चक्कर उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई, बहुत सारे खर्चे भी हैं और पैसे बहुत लगते हैं, खर्चा बहुत होता है, तो उसके हिसाब से फिर रेट सही रेट में ही चक्कर लेके जाना पड़ता है, ऐसी नहीं है कि भाई पहले हो जाता था कि भाई 100-200 इधर उधर होके कंफर्ट हो जाता था रेट लेवल में, फिर उसमें सही था चलता रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ज़्यादा पैसे नुकसान में फिर चक्कर उतार नहीं सकते हम, ये काम ही परेशान कर रहा है अब की बार, सबसे ज़्यादा मंदा अब की बार हुआ है, नहीं तो मैं काम छोड़ के जाना पड़ता था, घर के लिए छुट्टी लेके जानी पड़ती थी कि भाई मेरे को 5 दिन घर पे जाना है, बाबू जी मेरे को जाने दो,
कह रहा भाई काम तो चलेगा नहीं, चलो 5 दिन ही जाना बस, 5 दिन बिल्कुल बोल के 5वें 6ठे दिन 7वें दिन वापस आ जाता था, 4थे दिन भी वापस आया हुआ हूँ मैं काम की वजह से, काम ज़्यादा होता था, लेकिन अब काम ही नहीं है। जब मर्जी घर पे चले जाओ, जब मर्जी आ जाओ, तो काम के बिना जितना दिन इस साल में मैं दिल्ली जब तक काम किया है, जितने दिन मैं अब की बार रहा हूँ ना, अब की बार सबसे ज़्यादा अब की बार घर पे रहा हूँ, 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना भी, 2-2 महीने भी रहा हूँ, पीछे 2 महीने भी रह गया, तो काम की परेशानी चल रही है इस साल में, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, और परेशानी चल ही सकती है भाई जब तक कुछ ना कुछ और तरीका नहीं ढूंढा जाएगा, या फिर कोई तरीका ऐसा अपनाना पड़ेगा जिससे भाई, या तो फिर ग्राहक और ढूंढने पड़ेंगे, ग्राहक और भी ढूंढ, ग्राहक बहुत हैं, सप्लायर बहुत हैं दिल्ली में, लेकिन मेरा उधार का सिस्टम नहीं है, उधार का सिस्टम मेरा हो जाए तो फिर चक्कर नहीं टूटेगा भाई, एक भी फिर चक्कर नहीं टूटता, क्योंकि नकद रुपये में मैं बिलीव करता हूँ कि भाई नकद रुपये 2 पैसे 9 नकद 13 उधार, बड़े बूढ़े जो बोलते आ रहे हैं वही है, और मेरा थोड़ा सा हाथ टाइट है, बजट ख़राब है, अगर बजट पहले जैसा ही होता फिर मैं चक्कर भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं टूटता, क्योंकि फिर उधार का दम हो जाता है जेब में कि भाई हाँ, फिर उसमें ये नहीं सोचना पड़ता कि भाई भट्ठे वाले को पूंजी कहाँ से देंगे, 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये तक खाते में पड़े रहते थे, पहले सिस्टम सही था, जब काम की दिक्कत नहीं थी सप्लायर को मैं खुद ही बोल दिया करता था कि, क्योंकि अच्छे आदमी को बोल दिया जाता है, क्योंकि अच्छे आदमी है सप्लायर मेरे, हमारे मेरे तो नहीं हमारे, तो वो अच्छे आदमी है, नगद पे वो उन्होंने पैसे कभी किसी के रखे ही नहीं, और बहुत से लोगों के पास बल्कि उनके ही चले जाते हैं, जो मतलब थोड़ा सा बेईमानी टाइप होते हैं लोग, उनके पैसे अगर फालतू आ जाए, जैसे गड्डी में 100 नोट की जगह 101 आ गए तो कोई बताता नहीं है, मैं तो वही आज तक बिल्डर उनसे आज तक रिकॉर्ड की बात है भगवान की दया से, आज तक मैं 1 नोट भी फालतू लेके नहीं आया, लेकिन मेरे पास आए हैं कभी 1100 फालतू आ गए, फिर मैंने उनको फ़ोन करके बताया, कभी 2000 फालतू आ गए, कभी 1000 फालतू आ गए, कभी 5000 भी फालतू आए हुए हैं, वो 17-18 की ऐसे बात है 19 की, तो फिर मैं बता दिया करता था फ़ोन पे, कहता था जी कि पैसे फालतू हैं आपके, लेकिन जब उधार वाला कोई सिस्टम नहीं था, डेली अगर आज चक्कर उधार में हो गया तो कल उतारने जाएंगे, दोनों चक्कर के पैसे मिल जाएंगे, जो उतर रहा है और जो कल छोड़ के आए थे उसके, लेकिन अब बजट काम का इतना टाइट इतना ख़राब होगा किसी ने भी नहीं सोचा, मैंने तो सोचा नहीं था भाई कि भाई इतना काम डाउन होगा, और अब कुछ ना कुछ अब ये रेट परेशान करेगा, क्योंकि रेट जब तक अब टिका हुआ था रेट 5-7 चक्कर सही लग गए, अब बढ़े यहाँ बढ़ेगा उधर धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि जिसको जिसकी साइड चल रही है अगर किसी के 8 में दे रखी है और एकदम से अचानक से 8200 हो जाए या फिर 8500 हो जाए, फिर ग्राहक सोचता है कि भाई नहीं ऐसा कि भाई नहीं महंगी लगा रहे हो आप, कहीं और से फिर ट्राई करता है, फिर वो 1-2 दिन के बाद रेट लेवल में आता है, फिर चक्कर बनता है, 1 दिन छुट्टी लग जाती है, लेकिन पहले नहीं लगती थी भाई, पहले ग्राहक ही कम से कम CBC भट्ठे के मैंने देखा है लोग वेट करते थे, मकान अपना रोक लेते थे कि भाई जब ईंट आएंगी तब लेंगे, ये बात थी, लेकिन 5 चक्कर मैंने एडवांस देखे हैं भाई CBC ईंट के 5-6-7 कि भाई लाता रहो, ऐसे खाली नहीं खड़ा होता था कभी भी, भर के खड़ा होता था हमेशा, अब तो ये पूछना पड़ता है कि भाई भरूँ जी या फिर खाली छोड़ूँ, अब तो पूछना पड़ता है, लेकिन अब जैसे खाली रह गया अगर मैं भर लेता तो चक्कर बन गया था, अगर अब पूछ के भरना पड़ता है, जब फ़ोन आया तो वो लेट फ़ोन आया तो फिर आगे पूछा, फिर पूछने में ही परेशानी है, अगर भर के खड़ा हो जाए अब मैं आगे से यही काम करना पड़ेगा, भर के खड़ी करनी पड़ेगी, जैसे तैसे होगा नरम गरम करके फिर चलाते रहेंगे, ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो वही समस्या तो वैसे ही बड़ी हुई है, हाथ ही ख़राब है, हाथ टाइट है, बजट टाइट है, सब कुछ टाइट है, खर्चे ओवर हो रहे हैं हर चीज़ के, और डीजल पंप भी करवा के सही से अगर टाइम लग जाए सर्विस हो जाए पंप की तो फिर डीजल में कंफर्ट हो जाएगा, डीजल वाली टेंशन ख़त्म हो जाएगी, अब ये पता नहीं 200 का फालतू ले रहा है कम ज़्यादा, तो फिर उसमें फिर रेट में परेशानी आती है, तो ये सारी चीज़ें यारी सारी समस्याएं ही पैदा हो रही हैं हमारे साथ में, अगर समस्या एक भी समस्या तो सभी के जीवन में होती है, लेकिन अब थोड़ा सा बजट ख़राब है काम की वजह से भी, काम की वजह से ज़्यादा है रेट राट, तो चलो भाई
सो दोस्तों नरम गरम हो जाता था पहले, लेकिन काम ही नहीं है तो भाई फिर क्या करें। तुरंत मैंने देखा था क्योंकि मेरे को टाइम मिल जाता था, अब टाइम नहीं मिलता। दो दिन चार दिन, वैसे तो एक तारीख को बढ़ना चाहिए था रेट, एक तारीख को ही रुक जाता ट्रैक्टर मेरे ख्याल से तो। और अब दो तीन दिन मिल गए थे मेरे को कि भाई 100 रुपये 200 रुपये कम ज़्यादा करके अपने भर ले। अब अपना अब 3-4 तारीख को अपना रेट बढ़ गया, तो आगे बोलना पड़ा कि भाई रेट बढ़ गया, तो उसके हिसाब से फिर चक्कर टूट गया। नहीं तो चक्कर नहीं टूटता अगर वही रेट रह जाता, बढ़ता नहीं तो भाई भट्ठे वाले भी मजबूर हैं क्योंकि 3-4 महीने पूरे टोटल भट्ठे चलने हैं, कितने ईंट बचेगी। और तुरंत बेचते रहेंगे ये ईंटें सारी, कोई भी स्टॉक नहीं करेगा अगर ये, वो तो इनकी मर्जी है जो स्टॉक करेंगे भट्ठे वाले हैं। चलो हम तो एक छोटा सा तिनका है हमारा, तो हिसाब तिनके के बराबर में है, लेकिन इनके हिसाब से ही चलेगा, जो कुछ मार्केट के हिसाब से ही चलता है धंधा सभी का। भट्ठे वाले पर माल रोक के या ना रोक के वो उन्हीं का सिस्टम है सारा। जिनके पास अब माल रुका हुआ है अब उनकी मौज आ जाएगी, जिनके पास बजट बढ़िया है पैसे बढ़िया हैं वो माल रोक लें तो सिस्टम होगा। अब जैसे माल रोक रखा है जिसने बेचा नहीं अभी तक निकासी खोलने के बाद में, अब उनकी सोना हो जाएगा, उन्हीं का रेट बढ़ते जाएंगे, महंगी बिकेंगी इनटे, मौज हो जाएगी। देखो खड़े हैं खाली, एक मोटे और का ये खड़ा खाली, ये गाड़ी तो काफ़ी दिन से ही खड़ी है। सूर्य देवता जी महाराज चले गए हैं, तो जी खाना खा के सोने की तैयारी है जी, 9 बज गए और ऑर्डर तो है ही है, सुबह भरने के लिए चलेंगे, दिखाएंगे आप लोगों को कहाँ चलेंगे, CBC जाएंगे, DL जाएंगे, RK1 जाएंगे, सुबह पूछेंगे पहले तो जी। और तो क्या है जी, घर पे बात कर ली है, तो चलिए जी कैसे लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना। तो चलिए जी इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंग बली महाराज। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।